हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने भाजपा प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला के ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा कि इस जीत में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और भाजपा प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने कहा, यह मोदी जी की विकास की राजनीति और योगी जी की एक हिंदुत्व की राजनीति का ये मेल है। और उत्तर प्रदेश में तो एक गठजोड़ था, वाकई वो गांठ ही था, और ये बेमेल गांठ पूज्य महाराज जी के हिंदुत्व की विचारधारा और मोदी जी की विकास की विचारधारा, सबका साथ सबका विकास, और ये प्रचंड बहुमत आई है। हिंदू यानी के कार्यकर्ता, चूँकि पूज्य महाराज जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हिंदुवानी से जुड़े बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन सबों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पूरा मनयोग से तन मन धन से लोगों ने कार्य किया है। कांग्रेस का कहना था कि देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, देश को इस तरह अगर भाजपा को फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने मोदी, कांग्रेस के बारे में क्या है? देखिए, कांग्रेस तो एक पारिवारिक पार्टी है, तो अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे। हमें तो अपने राष्ट्र की बात करनी है और देश हित में, चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हर युवाओं की बात कर रहे हैं, और मोदी जी और योगी जी, मोदी जी अगर दिमाग हैं तो योगी जी दिल हैं, इस जोड़ी को कम से कम 10 से 15 वर्ष होने चाहिए हमारे युवाओं को और भारतवर्ष को आगे बढ़ने के लिए। बहुत सफल है क्योंकि माननीय मोदी जी का और योगी जी का चूँकि शहर ही है, ये उनका लोकसभा क्षेत्र रहा है, तो हम लोगों के लिए, हिंदुवानी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जीत, और 3,01,000 के लगभग अंतर से हम लोग जीते हैं। और हर घर में जब हम लोग जाते थे चुनाव प्रचार करने के लिए तो हम लोगों को लग गया था कि एक बड़ी जीत मिलेगी हम लोगों को, और पिछले चुनाव को लोगों की एक टीस थी भीतर में, वो चाह रहे थे कि जो गलतियां हुई हैं इस बार वो गलती ना हो, घर से लोग वोट डालने के लिए निकले, ऐसा लोगों ने किया भी और हम लोगों को उन्होंने बताया कि हम लोगों ने वोट डाला है, ये सामने दिखाई दे रहा था। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने उन सभी हिंदुवानी उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारतवर्ष में हिंदुवानी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को कि आपने एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने में अपना अमूल्य योगदान पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में दिया।